refraction of light by spherical lenses में note करिएगा. The working of a lens is based on the refraction of light rays. The lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Full stop. There are two types of lenses. Next point, likhenge. There are two types of lenses. First type. Convex lens. Convex lens में note कीजिएगा. A convex lens is thick at the center but thinner at the edges. A convex lens is thick at the center but thinner. Convex lens is thick at the center but thinner at the edges. ये होता है convex lens. तो convex lens is like this के बीच में से तो ये थोड़ा सा thick होगा और edges पर से ये thin होगा, पतला होगा. ये होता है convex lens. उसके बाद second. Is thin in the middle but thicker at the edges. कॉनकेव लेंस हो गया. कॉनकेव लेंस जो है, एक मिनट वेट करें जरा.
तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है कॉनकेव लेंस, ये मिडल में है, बीच में से तो थिन है और जो एजेस हैं किनारे पर से ये थिक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो और बनेगा किस तरीके से लेंस? बनेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारा मिरर बनता था। क्या होगा कि एक ना कांच की बॉल ले ली, स्फेरिकल बॉल ले ली हमने, तो स्फेरिकल बॉल है जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल को मैंने यहाँ से किसी चीज से काट दिया और यहाँ से काट दिया, क्योंकि तो दो टुकड़े आ गए हमारे पास। ठीक है, तो एक तो टुकड़ा ये हो गया, इसको काट के बाहर निकाल दिया ऐसे, और दूसरा टुकड़ा ये हो गया, इसको काट कर निकाल दिया, और ये दो टुकड़े हो गए। अगर इनको ऐसे सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इसको घुमा दिया ऐसे और इसको घुमा दिया ऐसे, इस तरह से घुमा दिया और फिर ग्लास मटेरियल से इसको ऐसे फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या है कि उसकी किसी भी सरफेस को देख लीजिए, इधर वाली सरफेस को देखो तो भी उभरी हुई सरफेस है, इधर वाली सरफेस को देखो तो दोनों तरफ से सरफेस आपकी उभरी हुई है, बल्जिंग आउट सरफेस है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है इसमें इधर वाली सरफेस भी केव वाली यानी कि गहरी सरफेस है और इधर वाली सरफेस भी गहरी सरफेस है, तो दोनों सरफेसेस जिसकी केव वाली होती हैं, गहरी होती हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, मैं फोन उठा के कह लो आ जा जो भी है, सबको इसी टाइम आना होता है। तो ये दो लेंसेज आपने ड्रॉ कर लिए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जरा तुम अपना डाउट दिखा दो। अच्छा, क्वेश्चन है, नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए, समझ जाओगे अपने आप। Figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B, as it travels. From medium A figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A is medium B relative to medium A is option दे रखे हैं root 3 upon root 2, option B है root 2 upon root 3, option C है 1 upon root 2 और ऑप्शन डी है रूट टू। ठीक है, और फिगर ये दे रखी है, इधर दे रखा है मीडियम बी और इधर दे रखा है मीडियम ए। मीडियम बी और मीडियम ए ये इधर लिख रहा हूँ, नीचे नीचे वाला है मीडियम ए और ऊपर वाला है मीडियम बी, और रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे गई, ये जो एंगल है ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो
और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। ये इतने सारे एंगल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। अब आप इसमें ये देखिएगा कि मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट रे जा रही है, तो जब भी कभी हम बात करते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो जैसे हमने ये कहा था कि 1 eta 2, तो 1 eta 2 को हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए का मतलब क्या है, विद रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं ए ईटा बी, ये निकालना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए या रिलेटिव टू मीडियम ए, कुछ भी बोल दीजिए, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आप ये देखिएगा कि अब हमें कैसे निकालना होता है, ये ऐसे निकलेगा कि लाइट रे ए से बी में एंटर कर रही है, वैसे भी दिखाई दे रहा है ए से बी में एंटर कर रही है लाइट रे। तो लाइट रे जब ए से बी में एंटर कर रही है, तो ए में बनने वाला जो एंगल है वो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई क्या है, ये मीडियम ए से जो लाइट रे आ रही है ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ये बेटा परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो साइन 60 अपॉन साइन 45, साइन 60 होता है √3/2 डिवाइड बाई साइन 45 होता है √2, तो ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √2/1, ये हो गया। अब √2 से 1 2 कट गया तो नीचे √2 आ गया, तो √3/√2 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए, रैशनलाइज करके लिखना चाहिए, पर उन्होंने ये दे रखा है ना ऑप्शन ए √3/√2, तो यही बिल्कुल सही। सभी को समझ में आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये देख लिया जाए कि वो बोल क्या रहे हैं आपसे, उन्होंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो जो पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी वो बाद में लिखना है, रिलेटिव टू मीडियम ए वो कहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे, समझ गए। तो ए ईटा बी का मतलब क्या है कि इंसिडेंस एंगल कहाँ बनेगा, मीडियम ए में, तो मीडियम ए में ये इंसिडेंट रे नॉर्मल यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है 60। अब ये जो पूरी कहानी दे रखी है ना 60 30 45 45, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रखी है कि बच्चा गलती से बस एक बार 30 डिग्री ले जाए इधर और बस तुम्हें काट लूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता बस, और खुश हो जाए भाई, समझा दूँ ढंग से, समझ में आ गया, ठीक है। यूनिटी का मतलब वन, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं, एकता, यूनिटी वन के लिए यूज करा जाता है। चलिए जी, ये अब वापस से आ जाते हैं लेंसेज पर, ये मिटा रहा हूँ। रिलेटेड टू लेंसेज, जैसे हमने मिरर में देखा था ना, पोल होता है, एपर्चर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे इसमें 4-5 टर्म्स इसमें भी हैं। तो पहला आप देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई, सभी जागे हुए हैं कि नहीं, चलिए ठीक है।
पार्थ आवाज आ रही है मेरी? पार्थ ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है आजकल दोस्त तुम्हारा? सर उसके चलिए जी, तो नोट करें द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। Point of a lens is known as its optical center. Is known as its optical center. Second, second one is here. टर्म में ऑप्टिकल का भी कोई मेन चीज़ है बाकी हम उसे सेंट्रल लिखते हैं। आपके ऑप्टिकल बताता मतलब उसको सेंटर ही बोल दो, ऑप्टिकल क्यों बोल रहे हो? ये तो वो ऑप्टिकल इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये ना ऑप्टिक्स में यूज करे जाते हैं लेंसेज। ऑप्टिक्स मतलब वो चश्मे में लगाने के लिए प्रिंसिपल एक्सेस। The principal axis of a lens अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेक्स लगाते हैं, तो आप सब लोगों को अपनी पावर भी पता होगी। आप चश्मा लगाते हैं, चश्मे वाले कितने बच्चे? एक दो तीन चार, चार बच्चे, पांच बच्चे। अपनी पावर पता होगी? नहीं पता? अरे पता होनी चाहिए, बीच बीच में चेक भी करा लिया करो, बीच बीच में चेक भी करा लिया करो। अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है जो आप चश्मा लगाते हैं, उसकी पावर की यूनिट क्या होती है? डी से डायोप्टर, डायोप्टर होती है। ठीक है, तो बीच बीच में जो चश्मा जो भी बच्चे लगाते हैं आप लोग अपने पावर भी चेक करा लिया करो। और दूसरी चीज़ और है कि भाई जब पढ़ते हो ना उसको बीच बीच में किसी कॉटन के कपड़े से साफ भी कर लिया करो। अल्टीमेटली उससे ना धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस है आँखों की वो डिटेरियोरेट होती है, ख़राब होती है, तो इसलिए बीच बीच में उसको साफ कर लिया करो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब चश्मा लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, तो कुछ अच्छा भी होने लगता है, कुछ बुरा भी होने लगता है। अच्छा ये कि कभी कभी क्या है कि पावर कम भी होने लगती है, क्योंकि क्यों कहा जाता है कि जब आँखों में दर्द होने लगता है, मसल्स पर स्ट्रेन पड़ने लगता है, तो तब चश्मा लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे ये कह देते हैं डॉक्टर के, नहीं आप लगाइए चश्मा, नहीं तो नंबर बढ़ जाएगा और आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। नहीं लगाओगे तो वो स्टेबल भी हो जाता है, मतलब रुक भी जाता है वहाँ पर, और कई बार घट भी जाता है। ये अगर आप काफ़ी मेंटेन करके चश्मे को साफ करके यूज़ कर रहे हो तो वो कम भी हो जाता है। और फिर आप डाइट ले रहे हो अच्छी, डाइट मतलब ये दूध वगैरह पीते हो ना, है ना, कायदे से पिया करो कि दूध आँखों के लिए ठीक होता है। ठीक है, और गाजर खाया करो। ये कहने के लिए आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, हाँ इसमें होता है ये वाला विटामिन, इसमें वो वाला विटामिन, ये सचमुच में होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी चेक करा लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि पावर जो है वो कम है, घट गई है, और आप अननेसेसरीली हाई पावर का चश्मा लगा कर घूम रहे हो, तो आप अननेसेसरीली ख़राब कर रहे हो अपनी आँखों। तो मतलब महीना, दो महीना, तीन महीना एक बार चेक करा लिया करो। चलिए जी, द प्रिंसिपल एक्सेस। और यहाँ पर ये दिमाग में क्यों आया मेरे, क्योंकि ये जो आप अब लेंसेज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पावर ऑफ अ लेंस भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव पावर क्या होती है, पॉजिटिव पावर क्या होती है, वो भी पढ़ेंगे। देखिए, द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तुम भी तो लगाते हो यार। थोड़ा सा Thank you.
is a line passing through the optical center of the lens. And perpendicular to both the faces of the lens and perpendicular अभी सिर्फ नोट करिएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी टर्म्स क्या क्या हैं एग्जाम्स में डेफिनेशन की आ जाती है उनकी एक एक नंबर की आती है आज आप लोगों के साथ में ना पेपर शेयर करता मैं 10th क्लास का क्या आज हुआ ना बोर्ड का एग्जाम था 10th का मैथ्स का पर है क्या कि उसमें जो टॉपिक्स आए हैं वो टर्म टू में आए हैं तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो कोई फायदा नहीं टर्म वन का पेपर कहाँ से डालू वो तो साथ में जमा हो गया ना ऑनलाइन मिल जाएगा कितना सही होगा कितना गलत कहा नहीं जा सकता बाकी अच्छा हुआ बच्चों का एग्जाम चलिए जी प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में नेक्स्ट नोट करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस थर्ड पॉइंट of a convex lens mein likhe the principal focus of a convex lens the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis is a point on its the principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis which light rays parallel to the which light rays parallel to the which light rays parallel to the principal axis which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens after passing converge after passing through the lens उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस फोर्थ लिखें अभी बस नोट करते जाओ फिर समझाता हूँ सारी चीज़ें प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव अग्री जल्दी थकान होगी बोर हो गया लिख लिख के लिखिएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस
the principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays comma originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens. अब समझिएगा सारे पॉइंट्स एक एक करके. कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने, ऐसे इसको वर्टिकली काट दीजिए, मतलब वर्टिकली इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे वर्टिकली दो इक्वल, हाँ वर्टिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब सोचिए कि इसको हॉरिजॉन्टली भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना दीजिए. तो आप ये देखिएगा, ये जो इसकी वर्टिकल एक्सेस है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ना, इस पॉइंट को O बोल देंगे और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल. कोई बात नहीं, सी भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F लिखवा दिया होगा, वो भी ठीक है. आप सी लिख दीजिए या O लिख दीजिए, दोनों पूरी तरीके से ठीक है. तो इसको O बोल देते हैं या सी बोल देते हैं. एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इसका बात करूँ, रघुवीर सिंह ने तो सी दे रखा है, पर अगर एनसीईआरटी है तो देखना, एनसीईआरटी में शायद O दे रखा है. ये सर वो दे रखा है, एनसीईआरटी में शायद O है. कोई बात नहीं, दोनों पूरी तरह से ठीक, किसी पर नंबर नहीं कटेगा. तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है. अब पहली चीज़ तो ये थी, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर. तो कोई दो चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक वर्टिकल लाइन खींचे जो उसको वर्टिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. जैसे कि मान लीजिए ये लेंस है, वर्टिकल लाइन खींचिए डॉटेड लाइन, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. तो दोनों लाइन जहाँ पर मिलेंगी तो उसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, उसी सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया. अभी दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वही है एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, जो कि लेंस से पास होती है, जैसे कि मिरर से होती थी पास, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं. तो कहा क्या गया, ये वो जो वर्टिकल, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, उसको क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस. द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेसेस ऑफ द लेंस. तो ये लेंस के दोनों फेसेस पर, ये वाला फेस और ये वाला फेस, दोनों पर परपेंडिकुलर है. भाई ऊपर वाला फेस ये हो गया, ये कर लीजिए, ये राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस हो गया इसका, ये राइट वाला फेस हो गया.
तो प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों ही फेसेस पर परपेंडिकुलर है, समझ गए। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये समझने वाली चीज है क्या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। फोकस का प्लूरल जैसे रेडियस होता है, रेडियस का प्लूरल रेडिया ही होता है, ऐसे ही फोकस का फोकस होता है, ठीक है। एफ ओ सी आई फोकाई, शायद अमेरिकन एक्सेंट में फोसी भी बोलते हैं उसको, फोसी नहीं शायद फोची, वही जैसे चेवरोलेट को शेवरोलेट बोल देते हैं उसी तरीके, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेक्टर हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये लेंस दे रखा है ना, तो इस लेंस में हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, दो सर्फेसेस हैं। पहला सर्फेस क्या बेटा, ये वाला, ये कर्व सर्फेस। इस कर्व सर्फेस को ये बताइए कि ये कौन से स्फेरिकल, कौन से स्फीयर से निकल कर आया होगा। तो इसका आप स्फीयर कंप्लीट करो ऐसे, ये हमने स्फीयर कंप्लीट कर दिया, तो इस स्फीयर का कहीं यहाँ पर सेंटर होगा। ये जो सेंटर है इसी को बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना बोलकर इस बार इसको 2f बोल देते हैं। पता है कॉन्वेक्स तो दो साइड पे जोड़ के बनाया जाता है। तो सर उस साइड का भाई अभी बना रहा हूं, उसको बना रहा हूं, फिर 2f हो गया। और ये जो 2f है, 2f का जो आधा पॉइंट होता है, जो हाफ डिस्टेंस पर होता है, तो फोकस हो जाता है, फोकस हो गया। सर 2f क्या है? हाँ, फोकस का डबल मतलब ये बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर यहाँ पर 2f बोल देते हैं। फिर क्या हुआ, ये जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, इस दूसरे रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से मैं कहूँगा मुझे तो यहाँ पर भी एक स्फीयर बनाना, बना लूँगा, बना लिया, ठीक है। तो अब इधर एक सेंटर हो गया, इधर वाले स्फीयर का भी तो एक सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका एक सेंटर हो गया, इस सेंटर को भी 2f बोलेंगे। ये वाला 2f कहीं नाराज ना हो गया तो 2f डैश लगा दिया इस पर, क्योंकि 2f तो मेरा नाम है, मेरा नाम कैसे रखता है, ये नहीं चलेगा। फिर 2f डैश हो गया, इसका आधा कितना हो गया, f डैश, ठीक। तो भाई यहाँ से क्या समझ में आ गया, एक लेंस के फोकस कितने होंगे, दो होंगे, एक लेंस के दो फोकस हो गए, फोकाई प्लूरल फॉर्म। हाँ, दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। अच्छा, अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अब 12th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ोगे आप, इसको कहा जाता है, ये टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, रे ऑप्टिक्स है उसका नाम, डेढ़ दो महीने में जाकर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वो जो एक चैप्टर है इसमें जो मैंने अभी बात बताई, तो ये लगेगा कि गलत बता दिया आपको 10th क्लास में। हमेशा ये लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है ना दोनों सर्फेसिस की, हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। हम अलग अलग तरीके का, और जैसे तुम चश्मा लगाते हो, चश्मा लगाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना लेंसेज का, आपने देखा होगा जब हम अपना जाते हैं किसी ऑप्टिशियन के पास में, तो वो कहता है कि अब दिखाई दिया, कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अच्छा अब, अच्छा अब, तो वो लेंसेज डाल डाल कर देखता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो ना कई बार उनके पास डिज़ायर्ड पावर का लेंस होता नहीं है। मान लीजिए उनके पास आपकी पावर 1.5 है या 1.27 है, मतलब उनके पास 1.27 का लेंस नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पहले 1 का डालेंगे, फिर 0.2 का डालेंगे, फिर 0.07 का डालेंगे। 1+0.2+0.07 क्या बन गया, 1.27, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार हमें आगे वाला जो सरफेस है वो ज़्यादा कर्व्ड चाहिए और पीछे वाला सरफेस हमको उतना कर्व्ड नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब हमको ये वाला सरफेस ज़्यादा कर्व्ड चाहिए, तो ज़्यादा कर्व्ड चाहिए तो उसका फोकस दूर होगा, ठीक है। जो ज़्यादा कर्व्ड होगा तो उसका फोकस दूर होगा, अच्छा जो कम कर्व्ड है उसका फोकस थोड़ा नज़दीक होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जब आप 12th क्लास में पहुँचोगे तो कॉन्वेक्स के भी चार टाइप बताए जाएंगे, तो और कॉनकेव के भी चार टाइप बताए जाए, प्लानो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स बताया गया। लेकिन डायग्राम्स भी बनवाए हैं क्या? हाँ, वो है नहीं सिलेबस में, नहीं है वो सिलेबस में, नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि जितना कर्व इधर होगा इतना ही कर्व इधर होगा, तो फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी। तो 10th लेवल तक फोकल लेंथ सेम रहेगी, 12th में जाती फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उतना पढ़ाया जा रहा है। अरे तो वो लेवल के हिसाब से धीरे 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 स्कूल टाइट करा जाता है, एकदम थोड़ी कर देंगे टाइट, चाबी टूट जाएगी। यार तुम कल की फिल्म पर फोकस कर नहीं रहे हो, तुम मतलब फालतू की चीज़ें, कल की फिल्म पर ध्यान दो। कौन सी फिल्म में कहाँ रिलीज हो रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज, यूक्रेन पूरी दुनिया में 6 फरवरी 4 को सिर्फ। अब जरा देखिएगा इधर,
समझ गया मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ, एक एक लैंप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है सर। और जो हमारा लेवल है 10th क्लास में उसमें फोकल लेंथ सेम होगी। आगे चलिएगा, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिएगा कि अगर इधर आप अच्छा लेंस फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चन मशीन करवाए क्या क्लास में? कुछ नहीं। फोकल लेंथ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कॉनकेव लेंस का? वन 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 ऐसे इस तरफ इधर वाले सेक्टर को कहीं उसका नाम 2f दे दिया तो ये 2f' और ये हो गया f डैश। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर तो इसको f और 2f बोला था और यहाँ पर आप इसको f और 2f बोल रहे हो, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि पहली वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस देखो, जिसकी पहली वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो पहला स्फीयर इधर बनेगा तो पहले स्फीयर का सेंटर भी इधर होगा, तो इसलिए यहाँ वाला 2f और f, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लाइट रे, हम जब भी हम बाई डिफॉल्ट ये मानकर चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई लाइट रे इधर से आएगी, लाइट रे इधर से आएगी तो पहले इस वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस पर स्ट्राइक करेगी। जब इस वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस पर स्ट्राइक करा तो इस सर्फेस का फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर। और राइट में मेजर करने वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर डायग्राम के मार्क्स है और इसमें अगर हमने ये गलत लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे? क्या गलत लिख दिया बेटा? सर डाइसिंग वाले में एफ डैश लिख दिया। अच्छा हाँ, मैं आ रहा हूँ शीट पर। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर बाई हम ये लेकर चल रहे हैं कि एफ टू एफ इधर और एफ डैश टू एफ डैश इधर, किसी किसी बुक में एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में इधर भी एफ टू एफ और उधर भी एफ टू एफ लिखा हुआ है, तो वो कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने अलग अलग नॉर्म के दे दिए। उसके बाद देखेंगे फिर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में ही हम किसी भी उसको रखें कि ऑब्जेक्ट को, तो उससे आने वाली लाइट रेज सबसे पहले कहाँ टकराएंगी? इधर वाले सरफेस पर। जब इधर वाले सरफेस पर टकराएंगी तो स्फीयर भी पहले ये वाला बनेगा। जब इधर वाला स्फीयर बन गया तो भाई इसका फोकस कहाँ? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मेजर करने वाले डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जो कॉनकेव है इसका एफ हमेशा नेगेटिव, ठीक है। कॉनवेक्स का जो एफ है फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। और एक छोटा सा फंडा जो दिमाग में याद रखना कि भाई लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉनवेक्स है तो पॉजिटिव, लेंस हो या मिरर हो, ठीक। इसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई सबको? ठीक है, हाँ जी बताओ। सुनिए, जब भी हम बात करेंगे ना तो हम प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। मैंने जैसे डेफिनेशन लिखवाई प्रिंसिपल फोकस और इधर भी प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस मतलब पहला फोकस, मेन फोकस हमारा, बाकी है तो दूसरा भी फोकस तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है उससे निकलने वाली लाइट रेज सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक कर रही है? इधर। तो फिर ये वाला फोकस कंसिडर करना चाहिएगा, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं नेगेटिव और उधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकस लेंथ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नोट करके लिखेंगे A lens has two foci.
lens has two foci. The two foci of a lens are at equal distances. Second point we take it. The two foci of a lens are at equal distances. Equal distances from the optical center from a one on either side of the lens. The two foci of a lens are at equal distances from the optical center, one on either side of the lens. Again, the focal length of a lens is the lens, is the length, the focal length of a lens is the length, is the length between its optical center and principal focus. साथी था जो उसका दोस्त था वो कहता कि सिस्टर यस 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 आई सॉ ही वाज डूइंग लाइक दिस
तेरे को कैसे मालूम इसका मतलब तेरी भी आँखें खुली हुई थी। तो वही वाली चीज़ मुझे याद आ गई, मैंने कहा भाई वहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, पर तुम्हारी नज़र वहाँ तो नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ क्या देख रहे हो? क्योंकि उस टाइम जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे ना ज्यादातर आईसीएसई बोर्ड के थे, तो मैंने आईसीएसई से किया था और टेंथ मैंने आईसीएसई से करा, लेकिन फिर किसी ने बताया, कुछ दीदी भैया वगैरह थे उन्होंने बताया ये CBSE से ट्वेल्थ करना चाहिए, तो फिर 11th में CBSE होते हैं और वहाँ फिर CBSE में जाती है एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग उसके बाद आसान लगा था बिल्कुल काफ़ी जब मैं ICSE के कंपैरिजन में CBSE बहुत आसान लगा था। सर जो हमारे स्कूल होते हैं ना, कभी स्कूल डेट बजे स्कूल के अंदर आती है, वहाँ स्कूल डेट बजे स्कूल के बाहर अंदर हम बाहर ही रखते, पनिशमेंट बहुत भयंकर, मतलब वो कहते हैं कि मतलब जो दंड सिस्टम से मैसेंजर्स ऑफ गॉड है, लेकिन मैसेंजर्स ऑफ गॉड भी बिल्कुल डेवल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से पतली पतली डंडी लगेंगी और उससे खुद पिटाई करवा देते हैं, क्या होता है हमारे पर फिर भी मतलब ठीक था। अच्छा अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी थी कि बचपन से ही डिसिप्लिन में रहने की आदत हो जाती है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हर क्लास में लैंग्वेज मॉनिटर बनता था, अगर कोई बच्चा हिंदी में बात कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, पनिशमेंट ऐसी थोड़ी होती थी मतलब मार ही डालोगे आप उसको, ऐसा कुछ नहीं, मतलब थोड़ी देर थी कुछ लिखने के लिए दे दिया कि लिखते रहो। चलिए जी इसके बाद नोट करें, अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जेंट लेंस, फोर्थ पॉइंट नोट करें। अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जेंट लेंस, convex lens is also known as a converging lens because it converges ब्रैकेट में लिखिए ब्रिंग्स टू अ पॉइंट और कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रिंग्स टू अ पॉइंट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट, parallel beam of light rays passing through it. Next clicking here. Sir, convex lens मतलब इकट्ठा होता है? हाँ, इकट्ठा, इकट्ठा, एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है। फिर देखिए, a convex lens is also known as a concave lens is also known as also known as a diverging lens because it diverges a parallel beam of light rays. एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल,
हमने चार तरह में रेज ऑफ लाइट ली तो चारों की चारों लेंस से टकरा कर फोकस पर इकट्ठी हो जाएगी। सारी रेज ऑफ लाइट फोकस पर आकर इकट्ठी हो जाएगी तो इस वजह से एक कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज यानी कि एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है तो इस वजह से इसको हम एक कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नहीं बेटा ऊपर ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ लिखा है और डाइवर्जिंग लेंस कौन के अभी बना रहा और कॉन्केव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है वो रेज ऑफ लाइट को फैला देता है मतलब डाइवर्ट कर देता है कुछ इस तरह से कि ऐसा लगता है कि सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट से आ रही है और वो एक पॉइंट कहलाता है फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ट हुई इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा फोकस से आ रही है। सिमिलरली तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ट होगी ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है ऐसे ही चौथी रे ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ट होगी इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है तो कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है इकट्ठा कर देता सबको एक जगह डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है सब लाइट रेज को फैला देता है। ठीक है इतना करिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you.